2018 की मच एंटिसिपेटेड फिल्म्स में से एक है थग्स ऑफ हिंदुस्तान। आमिर खान स्टारर इस फिल्म में, अमिताभ बच्चन जी हैं, फातिमा सना शेख और कैटरीना कैफ है। आज के दिन इसका एक लोगो कर दिया है रिवील। मैं हूं राहुल भोज, पता करूंगा अपनी जनता से कि उन्हें क्या है कहना इस लोगो के बारे में। क्या वो एक्साइटेड हैं थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए हैं या नहीं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन आपको अभी मैं राहुल भोज बताऊंगा कि जनता क्या कहती है, एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। सबसे पहले तो यही पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, थग्स ऑफ हिंदुस्तान का जो लोगो आपने देखा, क्या कहना चाहते हैं आप? कितना एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया है आपका? मैं देख के मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पुरानी चीज़ों की मुझे याद आ गई, एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। अभी हाल ही के जितने मैं एक दो साल से मैं देख रहा हूँ, किसी के भी ऐसे लोगों बिल्कुल मैंने देखे ही नहीं। बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है और फिल्म मुझे ऐसी लग रही है, फिल्म क्या होगा, बट लोगों तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग लगा कॉन्सेप्ट, बहुत अमेजिंग लग रहा है। सो देखते हैं, अभी देखते हैं कभी ट्रेलर रिलीज हो रहा है। लोगो बहुत फाड़ू लोगो आया है, बिल्कुल नया, और दो तलवारें बीच में, कॉइन उस पर ईगल बना हुआ, मतलब एक लुक देख के ही लग रहा है कि क्या एक्शन और क्या धमाल होने वाला है फिल्म में। और ऑब्वियसली अमित जी हैं और आमिर खान की मूवी है, सबसे बड़ी बात तो ट्रेजिडी और क्या कहते हैं उसको, एक्शन एडवेंचर और ऑब्वियसली आमिर की फिल्म में तो रहेगा ये। एज ए मैंने जैसे मतलब उनका लोगो देखा है, उसमें जो बेस्ट थिंग लगी है वो एनिमेशन है। एनिमेशन इज इंडिया में मोस्टली वी डोंट कॉल इट अ बेस्ट एनिमेशन, बिकॉज हमारे जो एक ही मूवी है जो रावण है, जिसका एनिमेशन सबसे अब तक टॉप क्लास रहा है, बाकी किसी का नहीं रहा है। मैं रिकॉल करना चाहूँगा कि अगर व्यूअर्स जो मतलब अभी देखने जाएंगे तो प्लीज़ डू वॉच दिस मूवी। और एज एन एक्टर मुझे एक ये अच्छी लग रही है क्योंकि ये आमिर खान की मूवी है, तो ऑब्वियसली मैं खुद एक एक्टर हूँ, तो आई होप उसमें जितना सीखने लायक होगा कैमरा जो भी है, मैं तो फटाक से कैप्चर करने वाला हूँ और मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं जाके देखूंगा, भले नियर बाय हो या दूर हो, आई वोंट माइंड। या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, जस्ट बिकॉज मुझे माइथो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा मैं माइथो मूवीज़ देखना पसंद करती हूँ। लास्ट मैंने देखी थी पद्मावत, देखी थी, आई लव दैट मूवी। अब मैं वेट कर रही हूँ मणिकर्णिका का, अब मणिकर्णिका के बाद अब ये आएगा तो ये देखूँगी। सो आई लव माइथो मूवीज़ एंड स्पेशली आमिर खान की मूवी बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट में होती है। लास्ट हमने देखा था दंगल, तो उसका कॉन्सेप्ट भी कुछ अलग था। गर्ल्स को मतलब कितना पावर होता है उनके अंदर, उनको शो किया गया था, तो आई लव दैट, तो वो मैं देखूंगा, चुकूंगी नहीं इस बार भी। एक्साइटेड तो बहुत हूँ क्योंकि मैं आमिर खान को बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी मूवी हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती है, तो और उसके साथ साथ अमिताभ बच्चन जी हैं और उन्होंने ये भी कहा था, आमिर खान ने ये कहा था कि अमिताभ को देखने के बाद पहली बार उन्होंने जब देखा मूवी पे तो वो डायलॉग भूल गए थे अपने। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया था ऐसे, तो उसके लिए भी एक्साइटेड है कि एक जोड़ी मिलेगी जो बहुत नई जोड़ी है। Fresh. तो हाँ, तो मज़ा तो आएगा बहुत क्योंकि हम वेट भी बहुत पहले से कर रहे हैं। लोगों तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि आमिर खान की सारी फिल्में इंटरेस्टिंग ही होती हैं, जितने भी आई है, दंगल को देख लो या कोई भी देख लो पीछे से, सबके सभी का अलग मैसेज के साथ आती हैं, तो ये थोड़ी अलग लग रही है। लग नहीं कि इसमें कोई मैसेज होगा ऐसा कुछ है, क्योंकि पायलट्स के ऊपर है तो शायद एक्शन होगा अलग होगा, तो शायद इंटरेस्टिंग है बहुत, तो देखने का मज़ा आएगा। कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल है फिल्म को लेकर और क्या ये फिल्म 400 करोड़ क्लब में एंटर कर पाएगी या नहीं? 500 करोड़ मतलब कितना करोड़ कर सकती है? 400-500 तो नॉर्मल है, आजकल की नॉर्मल फिल्में 400-500 कर लेती हैं। आमिर खान की लास्ट फिल्म 2000 करोड़ के आसपास गई थी, तो ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड तोड़ेगी उसका भी, क्योंकि इतना टाइम लग रहा है इस फिल्म के लिए और जो रिव्यूज़ आ रहे हैं और जो हम लोग जिस इंतज़ार कर रहे हैं जिस लगन से, तो आई थिंक 2000 के पार होगी इस बार, क्योंकि उसमें कैटरीना है और अमिताभ बच्चन जी है, तो इसीलिए या ऑफ कोर्स आमिर सर भी है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि इतनी बढ़िया फिल्म आ रही है, उसको जब से रिलीज मैंने उसका लोगो देखा है या उसका सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत ही अच्छा है क्योंकि इतने बड़े बड़े के स्टार कार्ड से, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ऑफ कोर्स मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा हूँ कि जल्द से जल्द मूवी आए और मैं सीधे आऊँ सिनेमा में और मूवी देखूँ। अच्छा, दिवाली के दिन रिलीज़ हो रही है ये फिल्म, 8 तारीख को रिलीज़ हो रही है, 8 नवंबर को, तो सबसे पहला सवाल यही है इससे रिलेटेड कि क्या ये फिल्म VFX के मामले में और पैसों के मामले में जो बॉक्स ऑफिस में कमाई होती है, बाहुबली द कंक्लूजन को पीछे छोड़ पाएगी या नहीं? बाहुबली तो ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आमिर खान जी हैं तो मुझे लगता है कि वो तोड़ सकते हैं, क्योंकि
वो जब भी मूवी बनाते हैं तो हमेशा एक के बदले दूसरा उनका ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं, तो हो सकता है कर दे, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन जी भी हैं और दोनों हैं, और आमिर खान जी एक्टिंग के साथ डायरेक्शन भी बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब एक डायरेक्टर के साथ वो मिलकर काम करते हैं, तो ये बहुत पॉइंट वाली बात है। बाहुबली का नहीं पता बट दंगल को शायद कर जाएगी, क्योंकि मेन लीड बहुत अच्छी है, इसीलिए हाँ 300 to 400 पक्का जाएगी। हाँ अभी कब रिलीज होगी उस पर भी डिपेंड करता है। दिवाली 8 तारीख। हाँ जाएगी डिपेंड करता, मे बी ये ब्रेक कर सकता है रिकॉर्ड, और अच्छा होगा अगर ये ब्रेक करे, बिकॉज हमारा इंडिया मतलब मोस्टली तो बहुत कम मूवीज आती है साल में एक आध बार जो रिकॉर्ड्स ब्रेक करती होगी जी। तो मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि ये मूवी तो बाहुबली ही नहीं, बाहर के जो आउट ऑफ हॉलीवुड्स की भी जो मूवी है, या एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स है, बीच में आई थी रैम्पेज आई थी अभी स्काईस्क्रैपर है, उन सब का मैं चाहता हूँ कि उनका भी रिकॉर्ड तोड़े। ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बस टक्कर के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब टाइम बढ़ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग और सारी चीज़ें हैं मूवी, तो मुझे लग रहा है कि अब ये एक लेवल ऑफकोर्स हर इंसान ऊपर जाता है, तो ये भी अब ऊपर टॉप पे करने वाली है। ऑफकोर्स आमिर की फिल्म सारी दंगल बंगल जितनी भी सबको टॉप पे जाती है, तो ये भी ना सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लेट सी, अब आमिर खान की मूवी है तो क्रोड्स में तो होगा ही होगा, जस्ट बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट ही इतने बहुत बढ़िया किस्म के होते हैं कि देखना ही रहेगा फिर तो, क्योंकि बाहुबली भी एक कॉन्सेप्ट अलग था और अब ये भी है कुछ अलग, तो लेट्स सी कितने क्रोड्स को क्रॉस करती है। अभी तो रोबोट भी आ रही है, क्योंकि उसमें भी VFX की बहुत बातें हो रही है, तो पता नहीं, अभी उसका टीजर देखा हमने, टीजर में इतना खास लगा नहीं इसका, तो देखते हैं इसका क्या होता है, क्योंकि अभी तो इसका टीजर तो आया नहीं, तो कोई गेस नहीं कर सकता कि इसका VFX कितना अच्छा है कितना ख़राब है, तो देख टीजर देखने के बाद पता लगेगा, मगर उम्मीद है कि अच्छा ही होगा क्योंकि आमिर खान है। और बॉक्स ऑफिस कमाना तो है ही, आमिर खान की मूवी तो कमाएगी, क्योंकि वो ऐसा काम करते हो मिस्टर प्रोफेशनल, इसीलिए बोलते हैं उनको, क्योंकि वो काम अच्छा करते हैं, तो हाँ तो कमाएगी तो डेफिनेटली। ओके 400, 500, 600 कितने करोड़? 4-5 जाएगी आराम से। आपकी तरफ से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की टीम को ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आमिर खान जी की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को दर्शक पसंद कर रहे हैं और दर्शकों ने कह दिया है भैया थम्स अप। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके से टीजर आएगा या फिर बाकी आने वाले मोशन पोस्टर्स होंगे, प्लस ट्रेलर के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। यशराज की तरफ से एक बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट आ रहा है, वेट कीजिए आप लोग इस बात का। वेल, हमें तो पसंद आया, ये लोगो था, ये जो पोस्टर था, मोशन पोस्टर था, फर्स्ट लुक था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्यों बताइएगा? क्योंकि चैनल है ये बॉलीवुड स्पाई, जो कि है आप लोगों का चैनल, एंड देर इज़ वन मोर चैनल, फिल्मी यारा, सुना तो होगा ही आपने, FILMYYAARA। तो फिल्मी यारा में भी जाकर आप इंटरेस्टिंग वीडियोस पा सकते हैं बॉलीवुड से रिलेटेड। मैं हूँ राहुल भोज विद कैमरामैन विशाल।